हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आचार्य। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की। इंडियन स्टॉक मार्केट को जिस तरह निफ्टी इंडेक्स के थ्रू ट्रैक किया जाता है, ठीक उसी तरह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का यूज US मार्केट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। 1896 में शुरू हुआ डाउ जोन्स इंडेक्स दुनिया के सबसे पुराने एक्सचेंजेस में से एक है और इसकी परफॉर्मेंस से आज भी US स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। एंड एज यू नो, US मार्केट में अगर कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दूसरे कई कंट्रीज के मार्केट्स में देखने मिलता ही है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को भी डाउ जोन्स जैसे मेजर US इंडाइसेस के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए, सो दैट हम भी अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए। जैसे अगर US में तेजी है तो वी ऑल नो कि हमारी IT कंपनीज जो US मार्केट को कैटर करती है, उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो सकते हैं। सिमिलरली जिन कंपनीज के मेजॉरिटी रेवेन्यूज US मार्केट से आते हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स की बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज होता क्या है, इस इंडेक्स का बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है, और फिर हम देखेंगे कि डाउ जोन्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और ये बाकी इंडाइसेस से अलग कैसे है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में हम डाउ जोन्स इंडेक्स के कुछ लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज US का एक इंडेक्स है जो कि नैस्डेक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली 30 बिगेस्ट कंपनीज को ट्रैक करता है। सिंपली इसे डाउ 30 या फिर डाउ जोन्स इंडेक्स भी कहा जाता है। नाउ आई एम श्योर कि आपने S&P ग्लोबल का नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स कंपनी है और इसी कंपनी का एक जॉइंट वेंचर S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस है, जिसके पास डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स को मैनेज करने की अथॉरिटी है। इस इंडेक्स की शुरुआत में 1896 में चार्ल्स डाउ और उनके बिजनेस पार्टनर एडवर्ड जोन्स द्वारा की गई थी, एंड हेंस इसका नाम है डाउ जोन्स। स्टार्टिंग में डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर सिर्फ 12 स्टॉक्स ही शामिल थे, जिनमें से मेजॉरिटी कंपनीज गैस, शुगर, टोबैको, रेल रोड्स और ऑयल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी। 1916 यानी 1916 में इंडेक्स के स्टॉक का ये नंबर 12 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था और फिर 1928 में इसे बढ़ाकर 30 स्टॉक्स कर दिया गया था, जो आज भी स्टैंडर्ड है। अब 1930s के ग्रेट डिप्रेशन और 2007-08 के रिसेशन के टाइम में जब कई सारी कंपनीज कोलैप्स हुई थी या मर्ज हो गई थी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में डाउ जोन्स इंडेक्स में भी कई सारे चेंजेस किए गए थे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली स्टॉक मार्केट इंडाइसेस मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं, लेकिन डाउ जोन्स एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। डाउ इंडेक्स में जो 30 कंपनियां इंक्लूडेड हैं, उनकी स्टॉक प्राइजेस का एवरेज निकालकर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। पर ये कैलकुलेशन इतनी आसान भी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडेक्स में इंक्लूडेड जो 30 स्टॉक्स हैं, आपको सिर्फ उनकी शेयर प्राइसेस को ऐड करना है और उसे 30 से डिवाइड करके आप डाउ जोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, देन ऑब्वियसली आप गलत हैं। वैसे इनिशियली देखा जाए तो डाउ जोन्स की कैलकुलेशन में इसी अरिथमेटिक मीन वाली मेथड का यूज किया जाता था, जहां 12 स्टॉक के प्राइसेस को 12 से डिवाइड करके इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी। लेकिन इंडेक्स के कैलकुलेशन की ये मेथड में मर्जर्स, स्पिन ऑफ्स और स्टॉक स्प्लिट जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे इवेंट्स में एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं होते थे, और इसी कारण डाउ डिवाइजर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो डाउ जोन्स की कैलकुलेशन में 30 स्टॉक्स के प्राइसेस को ऐड किया जाता है और ये डाउ डिवाइजर की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। नाउ डाउ डिवाइजर वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। इस डिवाइजर में भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं ओवर द पीरियड। जैसे 1928 में डिवाइजर वॉज सेट एट 60.67, फिर 2019 में मॉडिफाई करके 0.147 किया गया, एंड जनवरी 2023 की बात करें तो डिवाइजर वॉज एट 0.1492। डाउ जोन्स इंडेक्स प्राइस वेटेड होने के चलते ये ऑब्वियस है कि इंडेक्स में शामिल हुए किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस चेंज होते ही
उसका इक्वल इम्पैक्ट डाउ जोन्स की वैल्यू पर भी होता है। एंड परसेंटेज बेसिस पर इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक से अफेक्ट होती है। ऑल्सो डाउ जोन्स में कौन कौन सी कंपनीज क्वालिफाई हो सकती हैं उसके कई सारे पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं एंड S&P इसमें चेंजेस करती रहती है। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आर इंक्लूडेड इन डाउ जोन्स एज ऑफ टुडे। अब अगर आपको डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डाउ बेस्ड इंडेक्स फंड्स को बाय करना, जो आजकल इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर ऑप्शन है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स इंडेक्स फंड्स की एक भी यूनिट को परचेज करते हैं तो उससे आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स के सारे ही 30 कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। पर डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला तो ये कि डाउ जोन्स आपको सिर्फ 30 स्टॉक्स की ही परफॉर्मेंस शो करता है, पर असल में नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 5,300 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं। इस तरह डाउ जोन्स आपको मार्केट के 1% से भी कम स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे ये पॉसिबल है कि आपको US इकोनॉमी की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या मूवमेंट का पता ना चले। डाउ जोन्स का सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि ये मार्केट वेटेड के बजाय प्राइस वेटेड इंडेक्स है, जिसके चलते कई इंडेक्स कॉम्पोनेंट्स को अनफेवरेबल एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि $30 शेयर प्राइस वाली कंपनी US इकोनॉमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, लेकिन प्राइस वेटेड होने की वजह से डाउ जोन्स इंडेक्स पर $100 शेयर प्राइस वाली कंपनी का ज्यादा असर हो सकता है। अब कई सारे क्रिटिक्स ने यह भी आर्ग्यू किया है कि डिस्पाइट द डिवाइजर ये इंडेक्स में क्रेडिबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन मेथड। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डाउ जोन्स इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो। चलिए क्विकली रीकैप कर लेते हैं। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंटायर US स्टॉक मार्केट के लिए एक बैरोमीटर की तरह वर्क करता है, लेकिन एक प्राइस वेटेड इंडेक्स और सिर्फ 30 कंपोनेंट्स होने के चलते डाउ जोन्स को हमेशा ही एक रिलायबल इंडिकेटर कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए US स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स S&P 500 जैसे अल्टरनेटिव इंडाइसेस को भी यूज करते हैं। साथ ही इकोनॉमी के एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए एक कमेटी डाउ जोन्स इंडेक्स की कंपनीज को रेगुलरली बैलेंस भी करती रहती है। लेकिन इन सारे लिमिटेशंस के होते हुए भी US में डाउ जोन्स की एक स्पेशल जगह है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अगर आप कोई और इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड फॉलो 5paisa फॉर मोर सच इनसाइटफुल वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम।